नमस्कार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 2 से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और सभी क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन नहीं करना है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते जाएंगे उनको आप नोट डाउन करते चलना और कुछ क्वेश्चंस को आप सिर्फ समझ लेना, इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिलेख शास्त्र क्या है? तो अभिलेखों के बारे में पढ़ना ही क्या है, अभिलेख शास्त्र है। दूसरा, सांची जो है भोपाल के पास एक जगह है सांची कनखेड़ा नाम से, और वहाँ पर महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप पाया गया है, तो इसीलिए सांची का स्तूप बहुत फेमस है। उसके बाद है, पुरा लिपि का क्या अर्थ है? तो पुरा मतलब पुराना, लिपि मतलब लिखना, तो पुराने ज़माने की जो लिखाई है या लिखावट है उसको क्या बोलते हैं? पुरा लिपि। अगला है राजगृह। राजगृह का मतलब होता है राजा का घर, और जो मगध है उसकी जो सबसे पहली राजधानी है वो राजगृह ही थी। अब है अगला क्वेश्चन कि अतीत भारत में प्रयुक्त की गई चार भाषाएं कौन कौन सी हैं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। जो पुराना टाइम है उसमें चार भाषाएं हैं मेनली, वो हैं प्राकृत और पाली, और दक्षिण भारत में थी तमिल, और लगभग पूरे भारत में जो फेमस थी वो थी संस्कृत। तो प्राकृत और पाली जो है ये जैन और बौद्ध धर्म के साथ ही ज़्यादा फेमस हुई हैं लैंग्वेज। उसके बाद अगला है पाटलिपुत्र क्या है? मगध की राजधानी है पाटलिपुत्र, और इसे अब पटना कहा जाता है। अगला है उज्जैन। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। उज्जैन जो है वो एमपी का एक राज्य है। उसके बाद है बोधिसत्व क्या होते हैं? जो महान बोध भिक्षु हुए हैं ना उनको बोधिसत्व कहा जाता है। अगला है चौकी क्या है? वो जैसे योगा करते हुए पोजीशन में बैठते हैं वैसे ही योगी की पोजीशन में बैठना चौकी है। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, बस हमें इनके बारे में एक बार पढ़ना था, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 37 एवं सातवाहन कौन थे? सातवाहन राजाओं के बारे में हमने पढ़ा है कि दक्षिण भारत के राजा थे, और ये पहले राजा बनने से पहले व्यापारी हुआ करते थे, और सातवाहनों में सबसे फेमस राजा कौन थे? गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिक्कों का ज्ञान क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक, यानी जब सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं, खोजबीन करते हैं उनकी, तो उनको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं कि पंचमार सिक्के क्या हैं या आहत मुद्राएँ क्या होती हैं। नाम से ही पता चल रहा है इनका कि पंचमार्क्ड होते थे, यानी ऐसे सिक्के जिनके ऊपर कुछ न कुछ छापा गया था, चाहे कोई राजा का फ़ोटो छापा गया हो या कुछ भी, जो भी चीज़ मतलब एक मोहर की तरह छापी गई हो, उन सिक्कों को कहा गया आहत सिक्के। तो इसमें क्या लिखा है? आहत मुद्रा उसे कहते हैं जिस पर विलय प्रतीकों को मुद्रित किया गया था। मुद्रित का मतलब छापना, विलय प्रतीक मतलब वही कुछ न कुछ चिन्ह, कुछ न कुछ साइन। जैसे कि जो कनिष्क राजा थे उन्होंने अपने सिक्कों पर एक तरफ तो अपना फ़ोटो लगवाया, और दूसरी तरफ और देवी देवताओं के फ़ोटो वगैरह लगवाए, और उस पर लिखा था देवपुत्र। तो इन सिक्कों को कहा जाता था पंचमार्ग सिक्के। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आ सकता है, इसको आप अच्छे से लिखकर याद कर लें। उसके बाद है युद्धयाज, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये एक जो लोग थे जिन्होंने सिक्के जारी किए थे, समुदाय है एक प्राचीन भारत का। अगला है 32 क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कि मुद्रा शास्त्र क्या होते हैं? बिल्कुल सिंपल, मुद्रा मतलब वही सिक्के, और शास्त्र होता है पढ़ना। तो मुद्रा के बारे में पढ़ना कि किस लिपि में वो लिखे गए हैं, क्या क्या उन पे अक्षर बने हुए हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से जांच परख करना, यही कहलाता है हमारा मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र सिक्कों और ऊपर किसी लिपि बनी हुई ध्वनियों के अध्ययन को कहते हैं। हाँ, वही लिखा हुआ है इसमें कि सिक्कों के ऊपर जो भी लिपि वगैरह लिखी हुई है या कुछ भी ध्वनि बनी हुई है ना, उसको पढ़ना ही क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है धान की रोपाई। ये तो आप सबको पता है कि धान की फसल कैसे होती है, रोपाई करके होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो इस पेज से आप ये 2 क्वेश्चन लिख लें अपनी कॉपी में, आहत सिक्के क्या हैं और मुद्रा शास्त्र क्या होता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गहपति क्या होता था, इसको समझे ध्यान से, इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लेना। गहपति, गह का मतलब है घर, पति मतलब होता है मुखिया, तो घर के मुखिया को क्या कहेंगे? गहपति। आज भी आपके फैमिली में जैसे पापा हो या दादाजी हो, ये सब क्या होंगे? ये गहपति होंगे, क्योंकि ये घर के मुखिया हैं। तो इसमें देख लेते हैं एक बार, गहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण रखता था। घर से जुड़ी भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वो मालिक होता था। हाँ, बिल्कुल जैसा आज भी होता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग
नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। गृहपति का मतलब क्या है? घर का मुखिया, घर के जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं जिनका घर पर राज चलता है वो कहलाए गृहपति। और कई कई बार जो बड़े बड़े जैसे सेठ लाला जी होते हैं शहरों में, उनको भी कह दिया जाता था गृहपति। अब अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। संगम साहित्य क्या है? संगम साहित्य है तमिल भाषा का जितना भी साहित्य है उनको इकट्ठा करके जो लिखा गया उसको कहते हैं हम संगम साहित्य। तो आप एक या दो नंबर का ही पूछते हैं कभी कभी ये क्वेश्चन, तो आप इसको लिख सकते हैं कि प्रारंभिक तमिल साहित्य ही संगम साहित्य कहलाता है। वेलार जो है, वेलार का मतलब होता है दक्षिण भारत के जमींदार जो थे बड़े बड़े, उनको वेलार कहते थे। उसके बाद तो नाम दे रखे हैं बस, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी 41 क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 41 क्वेश्चन है, मनुस्मृति क्या है? इसको तो आप याद कर लें और कॉपी में भी लिख लें। यह आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, यानी प्राचीन भारत में जो कैसे नियम कानून कायदे थे वो सारे किस में लिखे हुए हैं? मनुस्मृति में। इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है और कब लिखा गया है? दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच में, यानी जब ये जो 400 साल का टाइम हुआ इसके बीच में कहीं ना कहीं लिखी गई है। और इस ग्रंथ में राजा को कई तरह के परामर्श दिए गए हैं, यानी राजा के क्या कार्य होते हैं, क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हमें मनुस्मृति में मिलती हैं। तो मनुस्मृति भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है, 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक ये लिखा गया है और इसमें अनेक नियम दिए गए हैं, राजा के लिए भी इसमें नियम दिए गए हैं। उसके बाद 42 क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हर्षचरित्र क्या है? कन्नौज के जो राजा थे हर्षवर्धन, उनका जो कवि था भानुभट्ट, उन्होंने जो बुक लिखी थी हर्ष के जीवन चरित्र के रूप में, उसी को कहा जाता है हर्षचरित्र। तो इसमें यही लिखा हुआ है, हर्षचरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, इसके लेखक भानुभट्ट है। अब देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को। इसमें पूछा गया पहले क्वेश्चन में कि यज्ञ जो हैं वो कितने प्रकार के होते थे? तो प्राचीन काल में यज्ञ जो हैं वो दो प्रकार के होते थे, पहला है राजसूय यज्ञ, दूसरा है अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है उसमें जो राजा है वो रथों की दौड़ करवाता था, और अश्वमेध यज्ञ जो है इसमें एक घोड़े को खुला छोड़ा जाता था जिससे कि माथे पर जयपत्र बांध दिया जाता था, ताकि वो घोड़ा जिस जिस एरिया में भी जाए उस एरिया तक उस राजा का राज होता चला जाए। अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को पकड़ता था ना, तो उस राजा को उसके साथ युद्ध करना पड़ता था जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है। तो इस तरीके से दोनों ही यज्ञ जो हैं वैदिक काल में करवाए जाते थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण केंद्र। मौर्य साम्राज्य जो है इसको 5 हिस्सों में बांटा गया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा साम्राज्य था, पूरे भारत में फैला हुआ था। तो इसमें जो पाटलिपुत्र है, तक्षशिला, उज्जैन, तोशाली और शृंगेरी, ये 5 नाम आपको याद करने हैं, क्योंकि ये एक तरीके से मौर्य साम्राज्य की राजधानी है अलग अलग हिस्से की। जैसे पाटलिपुत्र जो है वो तो मेन राजधानी है, बाकी ये तक्षशिला वगैरह, तक्षशिला उत्तर भारत की राजधानी हुई, तो स्वर्णगिरी दक्षिण भारत की राजधानी थी। इस तरीके से इन 5 राजधानियों को आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए जो दो कारक थे, दो तरीके थे या दो विधियां थी वो बताएं। तो 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई थी कि लोहे का आविष्कार हुआ था, और लोहे के आविष्कार होने से जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। क्यों हुई? क्योंकि लोहे के प्रयोग से जो हल होता है जुताई करने के लिए खेत की, वो बहुत मजबूत बनने लगा और खेतों को जो है गहरा खोदा जाने लगा। उसके साथ साथ जो नदियाँ थी, गंगा और कावेरी जो डेल्टा है पूरा, इसमें जो है बड़ी पैदावार हुई और बहुत बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। तो देख लेते हैं क्या क्या तरीके अपनाए गए कृषि की उपज बढ़ाने के लिए। पहला है हल के द्वारा खेती, जिससे कि नदी घाटी वाले उपजाऊ क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई, जैसे 6 शताब्दी में गंगा और कावेरी की घाटी, वही बिल्कुल कि लोहे के हल का आविष्कार हुआ जिससे कि जो नदी के आसपास वाला एरिया था उसमें खेती बढ़ गई। दूसरा है वैसे क्षेत्र जहां बारिश अधिक होती थी वहां उपजाऊ मृदा को उलटने के लिए लोहे के फाल वाले फल का प्रयोग किया गया। जहां पर बारिश ज़्यादा होती थी उस एरिया में क्या किया गया,
जो हल है वो ज़्यादा अंदर तक घुसाकर उस मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाया गया। तो ये दूसरा भी हल के ऊपर ही है, इसमें कहा गया है लोहे के फाल वाले हल के बारे में। तीसरा पॉइंट है इसमें कि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था की गई, तो नदियों से जो है वो पानी पहुँचाया गया खेतों तक, ये सारी व्यवस्थाएँ की गई, झीलों का निर्माण किया गया इस समय पर ही, तो बहुत सारे काम किए गए खेती को अच्छा बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन झील का निर्माण कब और किसने करवाया तथा इसकी मरम्मत किस किस शासक ने करवाई। एक अभिलेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में करवाया गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके जो राज्यपाल थे उन्होंने करवाया था इसका निर्माण। इसकी मरम्मत जो है वो शक शासक रुद्रदामन ने की थी, जो शक शासक थे जो मध्य एशिया से आए थे उनके जो सबसे फेमस राजा है रुद्रदामन, उन्होंने सुदर्शन झील को दोबारा से ठीक करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी। और रुद्रदामन के बाद जो गुप्त वंश के राजा हुए हैं उन्होंने भी सुदर्शन झील को ठीक करवाया है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण कौन थे। तो कुषाण जो हैं वो चीन से भारत आए थे, और यहाँ पर जो उनका सबसे फेमस राजा हुआ था वो था कनिष्क, और कुषाण राजाओं ने सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाए थे। तो जो ये क्वेश्चन है इसको आप जो हमारी क्लास वाली वीडियोस थी उनमें से ही कर लें और उन्हीं में से नोट्स बना लें। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त कौन था, उसकी सफलताओं का वर्णन करें। तो गुप्त वंश के जो राजा थे उनके सबसे महान राजाओं में से एक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। उनकी माता जो थी वो कुमार देवी वैशाली लिच्छवी राजवंश की एक कन्या थी। समुद्रगुप्त जो हैं वो अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, परंतु सारे पुत्रों में सबसे योग्य थे वो। तो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जब समुद्रगुप्त राज सिंहासन पर बैठे तो देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, पर जो समुद्रगुप्त है उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़के पूरे देश को एक किया और बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। तो ये इसमें आगे लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त की पहली लड़ाई में तीन राजाओं के संघ को हराया, यानी जो तीन राजाओं का ग्रुप था उसको अकेले समुद्रगुप्त ने हराया है, यानी आर्यवर्त की जो लड़ाई हुई थी उसके विजेता रहे हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें आप सारी वही बातें लिख सकते हैं सारी की सारी, कि जो इनके कवि थे हरिसेन उन्होंने क्या बताया कि ये सबसे बड़े हैं, योद्धाओं में योद्धा हैं, संसार में कोई इनकी टक्कर नहीं ले सकता, इन्होंने अनेक यज्ञ करवाए हैं, पूरे देश को इन्होंने जीता है, ये वीणा वादनी है, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं समुद्रगुप्त के बारे में। और जो डॉक्टर वी एस स्मिथ हैं उन्होंने कहा है इनको भारत का नेपोलियन, कि समुद्रगुप्त जो है वो भारत के नेपोलियन हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी उन्हीं वीडियोस में से करें और उनके पीछे जो मैंने नोट्स दिए हैं वहीं से अपने नोट्स बना लें, यहाँ से इसको ना लिखें। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी शब्द से आप क्या समझते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, श्रेणी या गिल्ड नाम से भी आ सकता है, श्रेणी या गिल्ड का क्या मतलब था। तो जैसे आज जो व्यापारी लोग हैं वो अपने अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, वैसे ही पुराने टाइम पे भी व्यापारियों के जो ग्रुप थे उनको श्रेणी कहा जाता था। तो विभिन्न प्रकार के कारीगरों ने अपने व्यावसायिक संघ बना रखे थे जिनमें से प्रत्येक को श्रेणी के नाम से जाना जाता था। यानी मान लो जैसे कि लोहे का काम करने वाले हैं कुछ मजदूर, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, वो उनकी एक अलग श्रेणी हो गई। कुछ सोने का काम करने वाले कारीगर हैं उनका एक अपना अलग ग्रुप बन गया, उनकी अपनी अलग श्रेणी हो गई। कुछ जो हैं स्पेशल जो समुद्री चीज़ होती है जैसे शंख वगैरह हैं उनका काम करने वाले लोग हैं उनकी अपनी अलग श्रेणी हो गई। तो इस तरीके से पूरे भारत में पुराने टाइम पे जो व्यापारियों के अपने ग्रुप थे जिन्हें हम बोलेंगे बिजनेस ग्रुप्स, उनको कहा गया श्रेणी। तो यहाँ पर जो व्यावसायिक संघ लिखा हुआ है इसका मतलब है बिजनेस ग्रुप्स। आगे लिखा है इसमें, इससे उनके हित सुरक्षित रहते थे अन्यथा वे शोषण के शिकार हो सकते थे। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर एक ही चीज तरह के लोग एक ग्रुप में रहेंगे तो सिक्योरिटी तो होगी उनकी ज़्यादा। तो यही लिखा हुआ है, इससे उनके हित सुरक्षित रहते थे, यानी उन्हें सिक्योरिटी होती थी, अन्यथा अगर ऐसे वो नहीं रहते तो वो शोषण का शिकार हो सकते थे। विभिन्न ग्रंथों के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल में शिल्पियों की जो श्रेणियाँ हैं यानी जो उनके ग्रुप हैं वो लगभग 24 या 25 ग्रुप थे।
जो शिल्पी लोग हैं उनके केवल 25 के आसपास श्रेणियां थी, यानी 25 के आसपास उनके बिजनेस ग्रुप्स बने हुए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजिशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिखकर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे, बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पर कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।